नमस्ते दोस्तों, आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर शुरू करना चाहते हैं तो आप एक ऐसा आउटलेट बनाना चाहते हैं जो आपके एरिया में सबसे मतलब एकदम लाविश, एकदम बड़ा, एकदम महंगा दिखे, हर तरीके के प्रोडक्ट वहाँ पर रहे और नॉट ओनली प्रोडक्ट रहे वो भी दिखने में भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इतना बढ़िया हो, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट तगड़ी भी होनी चाहिए और साथ ही आपको रिटर्न भी मिले। तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान देना होता है। लेकिन मान लीजिए आपके पास उतना पैसा है और आप एक अच्छा लोकेशन आपके पास भी है और आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए एक बहुत बढ़िया मौका है फ्रेंचाइजी बिजनेस का। वो फ्रेंचाइजी है वेलनेस फॉरएवर। वैसे तो आपने कई सारे फ्रेंचाइजीज देखी होगी, अलग भी बहुत सारे फ्रेंचाइजी आते हैं, लेकिन वेलनेस फॉरएवर की खासियत ये है कि ये मेडिसिन प्लस लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करते हैं और इनकी सर्विसेज, इनकी टेक्नोलॉजी, इनका पूरा सपोर्ट इतना बढ़िया है कि आपके बिजनेस ग्रो डेफिनेटली होने में काफ़ी ज़्यादा वो मदद करते हैं आपकी। तो अगर आप ऐसे बिजनेस के साथ जाना चाहते हो जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट भले ही आपकी ज़्यादा जाती हो लेकिन आपको वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल सेटल्ड बिजनेस आपको मिल जाता है जहाँ पे आपको पूरा सपोर्ट किया जाता है कंपनी की तरफ से, तो वेलनेस फॉरएवर ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी है। तो आज हम वेलनेस फॉरएवर के बारे में ही जानेंगे, नॉट ओनली जानेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी है, क्या इन्वेस्टमेंट है, बट साथ में मैं ये भी बताऊंगा इसके बेनिफिट्स क्या है एंड एट द एंड चैलेंजेस भी होती है वो भी मैं बताऊंगा और मेरा खुद का व्यू क्या है इस फ्रेंचाइजी के बारे में। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर शुरू करना चाहते हैं तो अगर लेकिन आपको आइडिया नहीं कि कैसे शुरू करें, कैसे ग्रो करें और किस प्रकार से हमें उस पर इन्वेस्टमेंट मिलनी चाहिए या कौन से प्रोडक्ट रखें, अरेंजमेंट कैसे करें, तो आप हमारा लाइव वर्कशॉप जो 9 दिन का वर्कशॉप होता है रिटेल फार्मेसी बिजनेस मैनेजमेंट का, वो ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे मैं खुद आपको पूरा इन टेप नॉलेज देता हूँ फ्रॉम द स्क्रैच। 9 दिन में पूरा आप सीखते हैं कि कैसे शुरू करें, कैसे ग्रो करें और कैसे मल्टीपल करें अपने बिजनेस को। तो आप अगर फार्मासिस्ट है या फार्मेसी स्टोर शुरू करना चाहते हैं, इवन शुरू कर चुके हैं लेकिन ग्रो नहीं कर पा रहे, तो आपके लिए ये वर्कशॉप है। इसकी पूरी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, तो वो जाइए और एनरोल कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब वेलनेस फॉरएवर ये कंपनी 2008 में शुरू हुई थी। 2008 में इन्होंने अपना खुद का पहला फ्रेंचाइजी मुंबई में शुरू किया था। अब ये बिजनेस 3 लोगों ने मिलकर शुरू किया था, इनका नाम है अशोक बिरन, गुलशन बख्तियानी, मोहन चवन। अब 2008 में इन्होंने पहला स्टोर शुरू किया लेकिन अब तक 320 प्लस स्टोर्स हो चुके हैं और इन्होंने शुरू किया था महाराष्ट्र से। अब महाराष्ट्र में स्टोर्स है, गोवा में भी और कर्नाटक में है। तो वेस्टर्न इंडिया में सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी का शेयर है वो इनके पास है, वेलनेस फॉरएवर के पास। आपने कई कबार स्टोर देखे होंगे, नहीं होंगे तो आप देख लीजिए, इंटरनेट पे भी फोटोज आपको मिल जाएंगे। काफ़ी बड़ी बड़ी एक्चुअली मतलब जगह भी बड़ी होती है, इन्वेंटरी भी उतनी होती है, एकदम लविश और एकदम मतलब सोफिस्टिकेटेड आप बोलेंगे। काफ़ी बढ़िया तरीके से इन्होंने अपने डिजाइन किया है अपने बिजनेस को। ये अपने बिजनेस को ओमनी चैनल मॉडल पे लेके गए। इसका मतलब क्या होता है, एक तो मल्टी चैनल होता है, दूसरा ओमनी चैनल होता है। मल्टी चैनल मतलब हर एक चीज के लिए अलग अलग स्टोर्स होते हैं, ठीक है, मतलब हर एक सर्विसेज के लिए। वेबसाइट से लेना है तो वो अलग है, ऑफलाइन स्टोर वो अलग है, और कहीं से भी कोई पोर्टल है तो वो अलग है। मतलब क्या होता है ना, सर्विसेज तो एक ही देनी है लेकिन अलग 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 पोर्टल्स हैं, ठीक है, वहां पे कस्टमर को हर जगह जाना होगा। लेकिन यहाँ पे ओमनी चैनल में क्या होता है, एक ही स्टोर पे सभी चीजें मिल जाती है, चाहे आप ऑनलाइन कस्टमर हो या ऑफलाइन कस्टमर हो, आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट हो यहाँ पे नॉट ओनली आपकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल की जाती है, साथ ही जो आपको फ्रेंचाइजी देने वाले मतलब वेलनेस फॉरएवर, ये इतना हैसल फ्री पूरी तरीके से इन्होंने अपनी सप्लाई चेन मेंटेन की है कि आपको बिलिंग करने की भी जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो आपकी जो शॉर्टेज है वो उनके सिस्टम में चली जाती है और उससे वो आपकी रिक्वायरमेंट को जान पाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने अपने सिस्टम्स को बनाया है। अब यहाँ पे इसके फीचर्स क्या है, मतलब एक बेनिफिट की बात करें तो पहले तो 24 आवर्स ये शुरू है, इसके बाद यहाँ पे 1 लाख से भी ऊपर इनकी खुद की इन्वेंटरी है तो आपको बाहर से लेने की बहुत कम जरूरत होती है। इसके बाद नेक्स्ट इनका सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट तो डेफिनेटली है, यहाँ पे कोई भी कस्टमर जाते हैं तो उनके लिए खुद एप्लीकेशन भी ये प्रोवाइड करते हैं, वेबसाइट है, आप यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी है, वहाँ पे कनेक्ट करके डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी आप ले रहे हैं तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपके स्टाफ को ट्रेनिंग दी जाएगी और इनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी काफी अच्छा है, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। अब जानते हैं
मतलब इनका सपोर्ट कैसे रहता है स्टोर शुरू करने से पहले और स्टोर शुरू करने के बाद। और सबसे पहले हम बात करेंगे इनका प्री ओपनिंग सपोर्ट। यहाँ पे आता है प्रॉपर्टी सिलेक्शन, ये प्रॉपर्टी सिलेक्ट करते हैं आपके बेस्ट लोकेशन कौन सा है ये आपको सजेस्ट करते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं, वैसे इनका एग्रीमेंट 5 साल का है। दूसरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पूरी तरीके से आपको बताते हैं आपके पर्टिकुलर आपके स्टोर के लिए। देन स्टाफ हायरिंग में भी ये हेल्प करते हैं, लाइसेंसिंग एंड स्टोर सेटअप, ठीक है। इसके बाद पोस्ट ओपनिंग, पोस्ट ओपनिंग मतलब ओपनिंग होने के बाद प्रोडक्ट असॉर्टमेंट, देन मार्केटिंग प्लान, ऑपरेशनल सपोर्ट, देन आईटी सपोर्ट एंड नॉन मूविंग एंड एक्सपायरी रिटर्न। मैंने जैसे बताया ना कि ये आपको मेडिसिन साथ ही लाइफस्टाइल प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। अब फार्मेसी में आपको पता होगा एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, जेनेरिक, सर्जिकल्स, एफएमसीजी एंड होम्योपैथिक ये प्रोडक्ट्स, साथ ही यहाँ पे न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स भी आपको मिलते हैं, बीवरेजेस भी कवर होते हैं, इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स भी कवर होते हैं, देन रिहैबिलिटेशन के भी प्रोडक्ट यहाँ पे कवर होते हैं, बेबी केयर, मॉम केयर, पर्सनल केयर ये भी प्रोडक्ट्स कवर होते हैं। तो ऑलमोस्ट इतने सारे प्रोडक्ट्स ये कवर कर रहे हैं। इनका अभी रेशियो है 60% फार्मा 40% नॉन फार्मा, अभी ये आगे जाके मतलब 40 फार्मा एंड 60 नॉन फार्मा भी कवर करें, क्योंकि नॉन फार्मा की भी काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो इट इज लाइक अ फार्मेसी प्लस सुपर मार्केट ये है, बट ये एक जैसे मॉल की तरह इन्होंने पूरा सेटअप किया। जानते हैं अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो इनका मतलब कैसे वर्क फ्लो रहेगा, पहले क्या करना होगा आपको। तो पहले यहाँ पे साइन अप करना होता है, साइन अप फीस पे करनी होती है, मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। देन ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, देन प्रॉपर्टी सोर्सिंग, देन प्रॉपर्टी एग्रीमेंट्स, देन हायरिंग, देन ट्रेनिंग, देन स्टोर डिजाइन, स्टोर प्रोजेक्ट, लाइसेंसिंग, एसोसिएटेड प्लान, देन स्टॉक रिसीव, देन लॉन्चिंग ऑफ योर स्टोर, देन बिजनेस ग्रोथ, बिजनेस स्टेबिलिटी, देन दे सजेस्ट पे बैक आपका हो जाएगा इन बिटवीन एंड इसके बाद सेकंड साइन अप भी आप कर पाएंगे। तरीके से आप मतलब इनकी कोई भी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, राइट। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की। तो एक्चुअली रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट आपका एरिया होना चाहिए 600 to 1200 स्क्वायर फीट तक, 600 से 1200 स्क्वायर फीट तक, ओके। एंड फ्रंटेज जो है 17 फीट का होना चाहिए, आपका एरिया मार्केट प्लेस में होना चाहिए, ज्यादा फुटफॉल होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा स्टोर है तो आप अंदर तो नहीं रख सकते, एकदम फ्रंट में। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई सारे बस स्टॉप्स हो, मतलब पब्लिक जगह पे जहाँ पे बहुत ज्यादा फुटफॉल्स है, ठीक है, यहाँ पे, या फिर एक मेन चौक में आपने देखा होगा जो मेजर एरिया है सिटी का, तो वहां पे ये आपको स्टोर दिखे होंगे। बेसिकली इनका ज्यादा फोकस है मेट्रो सिटीज में, क्योंकि ये जो सेटअप है डेफिनेटली वहां पे ज्यादा सक्सेसफुल होता है। अकॉर्डिंग टू देयर क्राइटेरिया इन्होंने अपना स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ओके। और एग्रीमेंट इनका 5 साल का है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अब इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे तो साइन अप फी इनकी है 10 लाख रुपए। यहाँ पे 3% रॉयल्टी ऑन नेट रेवेन्यू आती है, बट अगर दूसरा भी प्लान है 6 लाख साइन अप फीस है, वहाँ पे 3.25% रॉयल्टी नेट रेवेन्यू भी आती है, लेकिन ये मुंबई और पुणे के लिए नहीं है प्लान। नेक्स्ट है रिन्यूअल 3 लाख से इनका, देन स्टोर फिट आउट देन 30 लाख, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के 5 लाख से, इनिशियल इन्वेंटरी 25 लाख, देन मार्केटिंग एंड लाइसेंसिंग 3 लाख, एंड डिपॉजिट जो होता है वो डिपेंड होता है, आप अगर रेंट से है तो डिपॉजिट आपको जो भी आपका होगा वो लगभग 70-80,000 भी हो सकता है और 45-50,000 भी हो सकता है, डिपेंड है, ओके। तो ऑलमोस्ट ये हम देखेंगे तो 76 लाख ये आपकी एवरेज कॉस्टिंग जाती है यहाँ पे। प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे तो 22-24% आपको प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। ये एक्चुअली आपको एलोपैथिक में मिलता है, रादर देन डिस्काउंट भी आप कस्टमर को देते हैं लेकिन आपको भी प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। लेकिन साथ ही कुछ प्रोडक्ट ऐसे जो मोनोपोली क्रिएट करते हैं, उनके खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है जो न्यूट्रास्यूटिकल्स में आते हैं, जो पर्सनल केयर में भी आते हैं, आपने देखा होगा, तो वहां पे भी आपको काफी अच्छी मार्जिन मिल जाती है। और प्रोडक्ट एक्सपायरी या रिटर्न भी होते हैं इनके, मतलब ये इनकी पॉलिसी भी अच्छी है एक्सपायरी की भी, तो इसके लिए आपको वहां पे भी सपोर्ट मिल जाता है। एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो आपके एक्सपेंस कहाँ पे जाने वाले हैं, मंथली रेंट पे जाने वाला है, आपको लोग रखने, बेसिकली यहाँ पे उनका सजेशन है कि 9 से 11 लोग रखने चाहिए, आपके ऊपर है आप कितना रखना चाहते हैं, उनको पेमेंट दे, मतलब जो रिस्पेक्ट आपके एरिया का पेमेंट है वो देना है आपको, इलेक्ट्रिसिटी, अदर एक्सपेंसेस एंड देन मार्केटिंग एक्सपेंसेस। लास्ट में मैं आपको बोलूंगा कि इनका सपोर्ट कहाँ कहाँ पे मिलता है आपको। तो सपोर्ट मिलता है लोकेशन के लिए, स्टोर डिजाइनिंग के लिए, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन के लिए, स्टोर
मतलब फ्रेंचाइजी के ट्रेनिंग के लिए स्टाफ ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाती है एंड ऑटोमेटिक ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम भी है इनकी। यहाँ पे आपको ऑर्डर के लिए ज़्यादा मतलब ऑटोमेटिक हो जाता है आपको बहुत सारी चीज़ों में, इसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हेल्प मिल जाती है, एप्लीकेशन है, वेब पेजेस है, ओके। एंड आपको लोन के लिए भी ये आपको प्रेफर करते हैं, अगर मान लो आपको मतलब इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो लोन भी आप ले सकते हैं, ये उनको, ये आपको सपोर्ट करते हैं। कुछ कंपनी से डायरेक्टली कोलैबोरेशन है फाइनेंशियल कंपनी से, जो डायरेक्टली वहाँ पे भी लोन हो सकता है आपका, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप वेलनेस फॉरएवर का आउटलेट खोल सकते हैं। तो ये तो पूरा डिटेल है। अब मैं मेरा व्यू बताता हूँ। बेसिकली इसके लिए आपको मेट्रो एरिया में होना चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी है लेकिन आपके पास इतना मार्केट प्लेस होना भी चाहिए, ओके। और अगर मार्केट प्लेस से इन्वेस्टमेंट की तैयारी है तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज अगर आप नए शुरू करना चाहते हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है और लोन लेके करना चाहते हो तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आई नो लोन लेने के बाद वो ईएमआई और वो सारी चीजें इतनी पीछे होती है कि उस पर एग्जैक्टली वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा कि नहीं ये मालूम नहीं है। बेसिकली ये आपके एफर्ट्स पे रहता है, कंपनी आपको पूरे तरीके से बताती है, पूरा सपोर्ट करती है, बट एट द सेम टाइम आपके एरिया के मतलब एरिया एनालिसिस और आप कैसे बिजनेस करते हैं उस पर सारी चीजें डिपेंड है। तो आपके पास जितना हार्ड कैश ज्यादा है उतना अच्छा है, तब जाके आप यहाँ पे कीजिए, ज्यादा लोन पे डिपेंड होके ये बिजनेस बिल्कुल नहीं करना है, ओके। तो ये मेरी राय थी। एंड हाँ, आप वैसे तो 10 लाख से 15 लाख या 25 लाख तक भी अच्छा आउटलेट खोल सकते हैं, लेकिन इनका एक्चुअली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अलग ही है, जैसे फार्मेसी एंड लाइफस्टाइल है। आप अगर फार्मेसी पूरा फोकस करना चाहते हैं, हॉस्पिटल के नज़दीक है, हॉस्पिटल में है, तो इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टैंडअलोन फार्मेसी है आपके एरिया में, कई सारे मतलब फुटफॉल ज़्यादा है, या फिर आपकी सोसाइटी है, बड़ी सोसाइटीज़ है, एकदम मेट्रो सिटी में जो बड़े बड़े बिल्डर्स होते हैं उनकी जो बिल्डिंग्स होती है, वहाँ पे जो आप बोल सकते हैं क्रीम एरिया है, वहाँ पे ये चीज़ें चल सकती है। अदरवाइज मैं प्रेफर नहीं करूँगा किसी को, अगर आप रूरल अर्बन से हैं तो, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे बताइए, वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप अपना खुद का फार्मेसी शुरू करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारा वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको एंड टू एंड सपोर्ट करूंगा पूरी तरीके से। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भी हेल्दी।